5 साल से मास्टरबेशन करता आ रहा हूं, मैं मेरी आदत कैसे छोड़ूं? इसके बारे में एक लड़के का फोन मुझे आया, मैं बताता हूं उसके बारे में मेरा जवाब क्या था। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोग मास्टरबेशन करते हैं और वो आम आदमी मतलब और आम तौर पे सभी लोग मास्टरबेट करते हैं, मतलब 100 में से 90 लोग तो मास्टरबेशन करते ही है। मास्टरबेशन को हस्तमैथुन करना, मुट्ठी मारना, हाथ से करना, हाथ से हिलाना, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो मास्टरबेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, मास्टरबेशन करना कोई खराब नहीं है, मास्टरबेशन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। मुझे यही इतने बताना है कि मास्टरबेशन आप तब करें जब आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा इरेक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल विचार आ रहे हैं और रहा नहीं जा रहा है, उसी समय मास्टरबेशन करना है। ज़बरदस्ती लिंग को इरेक्ट करना, टाइटनेस लाना, इच्छा नहीं होना तभी मास्टरबेट करना, ये गलत है। तो मास्टरबेशन करना नॉर्मल है, जब अंदर से बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, रहा नहीं जा रहा है तो मास्टरबेट करो। मास्टरबेशन रोग एक बार, दो बार, कितने भी बार किया तो भी चलता है, मगर उसकी आदत नहीं बनने देना है। आदत तब बनेगी जब आप इच्छा नहीं है तभी भी मास्टरबेशन करेंगे। बाकी मास्टरबेशन शादी के पहले 100 में से 90 लोग करते हैं, शादी के बाद में भी लोग मास्टरबेशन करते हैं, जैसे कि बीवी बाहर गई, कुछ महीनों के लिए बाहर है, अलग अलग रह रहे या दूर दूर रह रहे हैं, प्रेगनेंसी है मतलब गर्भधारणा हुई है, बीवी को कुछ प्रॉब्लम है मतलब कोई बीमारी है ताकि वो सेक्स करने के लिए तैयार नहीं है, महामारी चालू है, ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं कि जब पार्टनर नहीं है तब आप शादी के बाद में भी हस्तमैथुन या मास्टरबेशन कर सकते हैं। इतना ही देखना है कि भाई उसकी आदत हमको बनने देने का नहीं है। समझो उसकी आदत बन जाती है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको हिप्नोथेरेपी का इलाज करना होगा, सम्मोहन उपचार का इलाज करना होगा। और सम्मोहन उपचार का इलाज करके वो जो विचार आ रहा है बार 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 बार, उसको नष्ट करना है, उसको क्लियर करने का है। और बहुत ही ज़्यादा विचार आ रहा है तो फिर आप फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन जैसी दवाई खा सकते हैं, जिससे आपके मास्टरबेशन करने के विचार कम हो जाएंगे। नॉर्मल प्रक्रिया है मास्टरबेशन, इसमें कुछ भी बुरा है नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।